अलीराजपुर जिले में एक आदिवासी समाज के कार्यक्रम में नुक्ता ले जा रही जलाऊ लकड़ी के ट्रैक्टर को डीएफओ मयंक गुर्जर ने जब्त कर लिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए डीएफओ को कहा तो डीएफओ ने मना कर दिया। तो बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर समेत डीएफओ के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया और आदिवासी समाज पर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए वीडियो। वहीं पूरे मामले में बीजेपी के नेताओं द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी की हक की आवाज वह प्रदेश और दिल्ली तक उठाएंगे, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में डीएफओ पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। आदिवासी की लड़ाई लड़ने के लिए, आदिवासी के हित और सामाजिक हित की लड़ाई लड़ने के लिए जो डीएफओ महोदय की हठधर्मिता थी, उसको लेकर अलीराजपुर जिले का शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का हम आदरणीय कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गए हैं। कलेक्टर साहब से पूरी बात भाई नागर सिंह जी ने, भाई मक्कू जी ने, मैंने, विशाल जी ने, भतु भाई ने, सभी लोगों ने, किशोर जी ने, सभी लोगों ने रखी कि आज आदिवासी समाज अनादिकाल से जंगल में रहता आया है और उसके जो सामाजिक रीति रिवाज के जो काम है, चाहे वो मृत्यु का हो, अंतिम क्रिया का हो, बारहवें का हो, पगड़ी का हो, शादी ब्याह का हो, नुक्ते का हो, उसमें सूखी हुई लकड़ी का उपयोग करके और अपना काम करता है। ये बहुत एक विडम्बना है कि आज इतने साल हो गए कभी भी किसी ने रोकने की बात नहीं की, लेकिन अभी तो सहयोग किया, लेकिन ये पहला डीएफओ है जिसने बोकड़िया गांव में एक आदिवासी का नुक्ता हो रहा था और वहां जलाऊ लकड़ी ले जा रहा था, उसको रोक करके अलदा चांदपुर के थाने में खड़ा किया और जब्त किया। सब लोगों ने, हम नेताओं ने बात की कि साहब वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये अफसरशाही है और आदिवासी के हित के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने गए थे और उन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा मैं दिखवाता हूँ और ये करता हूँ, तो हमने सब लोगों ने निर्णय लिया है कि अब लड़ाई जो है आदिवासी हितों की लड़ाई, आदिवासी के समाज में जो कार्यक्रम होते हैं उसकी लड़ाई हम धरना प्रदर्शन से करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर हम लोग पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष मक्कू करवाल जी, मध्य प्रदेश वन विकास निगम के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक माधव सिंह जी टावर, विधायक पुत्र विशाल भाई रावत, किशोर जी, भदु भाई और आप सब, आज अलीराजपुर जिले में सदियों से चली आ रही परंपरा, आप और हम सब लोग यहाँ पर निवास करते हैं, यह अलीराजपुर जिला आदिवासी जिला है। यहाँ पर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार जब होता है और अंतिम संस्कार शमशान घाट पर होता है, वहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था होती नहीं, और लकड़ी की व्यवस्था हम सब लोगों को इधर उधर से करना पड़ती है, वो ट्रैक्टर से ले जाना पड़ता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद उसका बारमा और नुक्ता जब हम लोग करते हैं तो बारमा और नुक्ता हमारे समाज में सामाजिक परंपराएं हैं कि अगर गांव में नुक्ता होगा किसी व्यक्ति का तो उसमें 30 से 40 बकरे मरते हैं और जब वो बकरों का भोजन बनता है तो लकड़ी इधर उधर से ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, गाड़ी से लाना पड़ता है और ये बरसों से आदिकाल से चली आ रही परंपरा है। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज अलीराजपुर डीएफओ ने एक बोकड़िया गांव में नुक्ते का कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था, वहां से गांव के लोग ट्रैक्टर लकड़ी भर के ला रहे थे, डीएफओ ने उसको जब्त किया। जब मुझे पता चला, मैंने फोन से बात की, माधव सिंह जी ने बात करी, विशाल भाई ने बात करी, मक्कू परवाल जी ने बात करी, उन्होंने एक भी सुनने से मना कर दिया और ट्रैक्टर को जब्त करके चांदपुर थाने में खड़ा किया। उसके बाद हम सारे अलीराजपुर जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि कलेक्टर के पास गए और कलेक्टर साहब को सारी चीज़ों से हमने अवगत कराया और उनसे हमने कहा कि हमारी सामाजिक परंपराएं, इस ट्रैक्टर को आप तत्काल मुक्त करें। तो उन्होंने भी
ठीक से जवाब नहीं दिया और हम सब लोग वहां से दुखी होकर आए और आज आपके सामने है और आज हम लोग आपके सामने पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और कल 11 बजे से प्रशासन की जो हठधर्मिता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कलेक्टर कार्यालय के सामने बुकड़िया ग्राम में हमारे आदिवासी समाज का एक नुक्ता कार्यक्रम था, उसके लिए लकड़ी लेने के लिए सूखी लकड़ी थी वो ट्रैक्टर से उसको ले जा रहे थे तो DFO अलीराजपुर ने उसको जब्त कर लिया। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व कलेक्टर महोदय से इस विषय को बताने के लिए जब हम कलेक्टर कार्यालय गए कि साहब चूँकि यहाँ आदिवासी समाज में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि नुक्ता हो, बारमा हो या अंतिम संस्कार हो, जंगल की सूखी लकड़ियाँ काट के ही किया जाता है और इसलिए जो ये ट्रैक्टर को जब्त किया गया है इसको मुक्त किया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर जब प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की तो कलेक्टर महोदय ने उस विषय को संज्ञान में लेना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा और बताऊंगा और वो ट्रैक्टर को जब्त करके चांदपुर थाने में रख दिया गया है। चूँकि ये समाज का विषय है और वर्षों पुरानी हमारी परंपरा है तो हम भारतीय जनता पार्टी अगर उस ट्रैक्टर को मुक्त नहीं किया तो कल से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों की हठधर्मिता के खिलाफ पार्टी संगठन को अवगत कराएंगे। आज सुबह जो गांव था बुकड़िया उसके पास में हम निकल गए थे तो वहां पे रास्ते में जो है एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियां भर के ले आ रहा था तो उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो जंगल से जो है लकड़ी काट के लेके आ रहे थे, उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज़ नहीं पाया गया, कोई परमिशन वगैरह नहीं पाया गया तो ट्रैक्टर को जो है मध्य प्रदेश वन उपज अभिवहन नियम के अंतर्गत उसके विरुद्ध अभी कार्रवाई की जा रही है और जो संबंधित है उनके विरुद्ध अभी कार्रवाई की जा रही है। सर, वन विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं अलराजपुर के एक आदिवासी के बड़े नेता कहे जाते हैं माधु सिंह डावर, पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान के साथ में मधु बच्चा और जितने भी आदिवासी नेता हैं उन लोगों ने एक आरोप लगाया है सामूहिक प्रेस वार्ता करते हुए कि वन विभाग के जो DFO हैं और जो कलेक्टर साहब हैं वो हठधर्मिता कर रहे हैं, वो आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन नहीं करने दे रहे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें जो आदिवासी समुदाय हैं उनके परिवार उनकी जो परंपराएं हैं उस पर घात करने का कोई हम लोग का वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है। जो नियमानुसार कार्रवाई होती है, जो शासन ने नियम बनाए हैं, सभी शासन के नियमों से बाध्य रहते हैं, उन्हीं नियमों के अंतर्गत ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें अनावश्यक किसी के विरुद्ध कार्रवाई कुछ भी नहीं की जा रही है। अभी सर ये लकड़ी जलाऊ है या फिर कोई अन्य लकड़ी है? लकड़ी वो अभी जांच रेंजर साहब अभी कर रहे हैं, उसका जैसे ही जांच होकर आएगा उसमें स्पष्ट होगा वो। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, अलीराजपुर।